नमस्कार दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर आजकल जेम्स कैमरून के अवतार 2 और अजय देवगन की दृश्यम 2 सिनेमाघरों में लगी हुई है। इन दोनों की फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन अपने पांचवे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी दृश्यम 2 के मुकाबले अवतार 2 अच्छी रफ्तार से कमाई कर रही है। हालांकि सोमवार से अवतार 2 की कमाई में भी गिरावट देखी जा रही है। इन दोनों के अलावा आज यानी 23 दिसंबर को रणवीर सिंह की सर्कस रिलीज हो रही है। तो चलिए जानते हैं अवतार 2 और दृश्यम 2 दोनों ने कितना कलेक्शन किया है। जेम्स कैमरून निर्देशित फिल्म अवतार 2 सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। पहले हफ्ते ही इस फिल्म ने 193.30 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। अवतार की पानी में गोते खाती दुनिया दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है, लेकिन सोमवार से फिल्म के कलेक्शन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में अवतार 2 के सातवें दिन की कमाई शुरुआती आंकड़े भी सामने आ गए हैं। अवतार 2 के सातवें दिन के कलेक्शन की बात करें तो पहले गुरुवार को फिल्म ने 13.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। बात करें दृश्यम 2 की तो अजय देवगन, तब्बू और अक्षय खन्ना जैसी नामी कलाकारों से सजी फिल्म दृश्यम 2 पिछले काफी समय से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही थी, लेकिन अवतार 2 की रिलीज के बाद से अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी फिल्म के कलेक्शन का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है। फिल्म अब सुस्त तरह से कमाई कर रही है, हालांकि 5 हफ्ते होने के बाद भी इसे दर्शकों का प्यार मिल रहा है। इसी बीच अब इसके 35वें दिन की शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं। दृश्यम 2 ने अपने 5वें गुरुवार को 70 लाख रुपये का कारोबार किया है। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर रोहित शेट्टी और इंडस्ट्री के सबसे एनर्जेटिक अभिनेता माने जाने वाले रणवीर सिंह की जोड़ी आज फिल्म सर्कस के रूप में सबका मनोरंजन करने के लिए आ रही है। सर्कस कॉमेडी से भरपूर एक फैमिली इंटरटेनर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह के अलावा जैकलीन, पूजा हेगड़े जैसे कई सितारे मौजूद हैं। जहां इस फिल्म से पहले अवतार 2 को टक्कर देने की उम्मीद की जा रही थी, वहीं इस फिल्म की एडवांस बुकिंग देखकर साफ हो गया है कि सर्कस के प्रति लोगों में उस तरह का क्रेज नहीं है। सर्कस ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में महज 1 करोड़ रुपये कमाए हैं, जो रणवीर की आखिरी 2 फिल्मों की एडवांस बुकिंग से भी कम है। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।